कंडीशन है। हमारी जिला जालौर की संपूर्ण टीम को एसपी साहब खुद यहाँ कैंप किए हुए थे, जब से ये अपराध घटित हुआ उसके बाद से लगातार यहीं दो दिन तक सोए नहीं, कल भी रात को ही पूरी रात यहीं। बेसिकली आपको ये पता होगा कि ये इतला जो है कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मिली थी, विजयराम जो देवासी जी हैं इनका जो मर्डर हुआ था, घटना की सूचना मिलते ही सर्वप्रथम एसपी साहब जालौर, एडिशनल एसपी जालौर और सीओ एसएचओ सब वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद ये एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर था जिसमें किसी तरह का कोई क्लू वहाँ पे नहीं था और न किसी ने इसको वहाँ पे इस तरह के कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह घटनास्थल के आसपास नहीं थे, लेकिन टेक्निकल सर्विलेंस से इन्होंने इस तरह के जो रास्ते में जो आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनके सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्लू एसपी साहब को मिला। जो वहाँ जो मुलजिम जो आए थे तीन मोटरसाइकिलों पे आए थे, तो बाद में ये कोई किसी ढाबे पे जा रुके, वहाँ रुकने के बाद इन्होंने कोई फोन पे पेटीएम किया किसी को, तो वो एक महत्वपूर्ण क्लू डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिला। और उसके बाद डेवलप करने के बाद जहाँ जिसके भाई के नाम पे इन्होंने मनी ट्रांसफ़र कराई थी, तो इससे इम्पोर्टेंट कोई क्लू नहीं था। जब उससे ला करके पूछा तो ये दो तीन आदमी नामजद हुए, उसके बाद फिर उनको ला के सारी कड़ी से कड़ी जोड़ते गए सीसीटीवी फुटेज के बेस पे। इसके अलावा जो इसमें जो पुराना जो जमीनी विवाद था मुकदमा नंबर 71/2019 उसका जो परिवादी 11/2019 इसका जो परिवादी पक्ष था तेजपाल, उनके दादाजी के साथ इन्होंने मारपीट की थी मृतक पक्ष ने, और उसके लेके एक रंजिश थी। तो उसके बाद देशपाल ने ही इनको हायर किया, टोटल इसमें से 8 व्यक्ति थे, तो जिनमें देशपाल, केपी सिंह और रोहित तीनों की मुख्य भूमिका थी, और बाकी अन्य मुलजिम थे उनको भी दस्तियाब कर लिया है और पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर लिया गया है। इन मुलजिमों में अरेस्ट करके जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके इनको सजा कराई जाएगी। और ये बड़ा 24 घंटे में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, उसको तत्काल खोलने का और एक लाइन ऑर्डर का इश्यू था, एक कई तरह के एंगल इसमें जातिगत एंगल किसी तरह के एंगल चल रहे थे जिनको सबको नेशनलभूत करते हुए, और जालौर पुलिस ने बड़ा अच्छा त्वरित कार्य किया है। और इसमें जो कार्य करने वालों को हम सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो जिन टीम ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत करने के लिए पुलिस मुख्यालय को भी लिखेंगे, बाकी डिटेल आपको एसपी साहब जालौर बताएंगे। कितने 6 लोगों को दस्तयाब किया है और इसमें कुल जो मौके के ऊपर कुल 8 लोगों के जाने की अभी हमें पुष्टि हुई है, इसके साथ अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि आपराधिक षड्यंत्र में इसी तरह हैं, तो उनके खिलाफ हम साक्ष्य एकत्रित करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि ये जो कल मर्डर हुआ उसके बैकग्राउंड में ये देखा गया है कि इस जो विजयराज उर्फ बिंजाराम जी थे इनके जमीन संबंधी काफ़ी डिस्प्यूट्स थे, और ये हमारे लिए एक चैलेंज था कि कौन सी जो डिस्प्यूट है उसके अंदर इनकी जो पार्टी है जिसे रंजिश है जिसने कि ये हत्या की कार्रवाई करवाई, तो इसमें हमने अलग अलग जो ही वारदात के बारे में पता लगा तो एडिशनल एसपी जालौर, सीओ जालौर, एसएचओ पूरी टीम और करीब 10 हमारी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही थी, तो हमारे जो एक टीम के दौरान जब हम यहाँ हाईवे के बाद में जितने भी बाड़मेर तक, इधर भीनमाल तक, रानीवाड़ा तक और इधर हमने जालौर तक के सीसीटीवी फुटेज देखे, वहाँ की टेक्निकल सर्विलांस जो हमारी टीम किशन और जो त्रिलोक की टीम ने टेक्निकल देखा, और मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो इनिशियल हमें मिला वो हमारा जो एक बाबूलाल हेड कांस्टेबल है, जब हम ये चीज़ देख रहे थे तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप जब रोड पे ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ से बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पता लगा कि साहब रात को ऐसे 3 मोटरसाइकिल पे करीब 8 लोग थे, उनमें से एक लड़के ने फ़ोन पे करवाया था, वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य था उसके पीछे लगे। और मैंने जैसा कि कल आपको बताया कि हमारे को महत्वपूर्ण सुराग लग गया है, हम उसके आगे चलेंगे। उसके बाद में पूरी टीम ने सीओ साहिबान, एसएचओ भीनमाल सीओ साहब,
और इनकी जो यहाँ की टीम, इन्होंने मुलजिमों के, क्योंकि ये यहाँ से हत्या करते ही इन लोगों ने अपना फ़ोन बंद कर लिए और यहाँ से फरार हो गए थे, यहाँ थे नहीं। तो अलग टीमों ने किसी को सिरोही से, किसी को हमने जालौर से, बाड़मेर से दस्तयाब किया है और अभी तक 6 लोगों को दस्तयाब कर लिया है। जैसा कि श्रीमान आई साहब ने बताया कि इनकी पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश की वजह से इन्होंने ये आदमियों को हायर करके और देशपाल ने ये हत्या को अंजाम दिया है। कौन थी, किस पे फोन? वो जो, क्योंकि रात्रि के समय जब आपके पास 1:30 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 के बीच में बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस रोड के ऊपर चलते हैं, तो हमारे लिए वो एक साक्ष्य था जो हमारी टेक्निकल टीम ने उठाया और वो फ़ोन पे इन्हीं मुलजिमों में से एक मुलजिम के मिलने वाले के यहाँ करवाए गए। षडयंत्र में इनके अलावा और कोई भी जो कैसे सबूत मिलेंगे क्या? हाँ, अभी तक हमें बहुत महत्वपूर्ण सबूत मिला है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो वार किया था वो किसने किया? जो वार किया वो देशपाल ने और केपी सिंह ने वार किया, और इसमें 3 आदमी जो आप लोगों ने घटनास्थल पर, आप लोग भी गए थे, काफ़ी लोग, जो बाहर की दरवाज़ा था उसके बाहर 3 लोग खड़े थे, तीनों मोटरसाइकिलों को स्टार्ट बोर्ड पे खड़े रखे थे, बाकी जो 5 लोग थे वो अंदर गए थे और उन्होंने इसमें 3 लोग साइड में और 2 लोगों ने उसके ऊपर वार किया, केपी सिंह ने और इसने देशपाल ने उसके ऊपर वार किया। हाँ, अभी उस पर वो अभी दस्तयाब किए हैं, तो हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है कि आगे जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम पूछताछ करेंगे, तो वो सब हमारी तफ्तीश के दौरान आएगा। ये घटना कर ली क्योंकि ये तो पहले कोई? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज से 4-5 दिन पहले भी ये सेम घटना करने के लिए वहाँ गए थे, उसमें 5 आदमी गए थे और इनका मीटिंग ऑफ प्लेस पहले भीमबाल था, वहाँ पर जैसे मैंने बताया होटल में, वहाँ पहले भी इन्होंने होटल में वहाँ बातचीत की बाहर, और परसों भी इन्होंने होटल में मीटिंग कमरा लिया और वहाँ पर बातचीत की। पहले जब गए तो वहाँ कुछ कुत्ते भौंकने लगे, कुछ जाग हो गई, इसलिए वो वापस आ गए। आज से 5 दिन पहले भी इसकी रैकी की गई थी, रैकी के दौरान ये देखा, लेकिन वो कुत्ते भौंकने से, जाग होने से वापस आ गए थे वहाँ। इसमें मुख्य रैकी करने वाला कौन था? इसमें अभी तक की जांच में आया है कि एक तो हमारे पास में आ गया है रैकी करने वाला, और दूसरे जो और जिसकी भूमिका है उसके बारे में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है उसमें। जिसको दस्तयाब किया, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? अभी तक की जांच में तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी रिकॉर्ड मांगा गया है, तो वो रिकॉर्ड अन्य, क्योंकि अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग थानों से उनका रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है। देशपाल के और इनके क्या रिलेशन है, इन्होंने संबंध? तो ये इसको जो मुख्य अभियुक्त देशपाल ने इनको जो भीमबाल से जो टीम ली उनको पैसे दे के हायर किया है, अभी तक की ये आया है कि इसको पैसे, इनके हत्याकांड में शामिल करने के लिए इनको पैसे देने की बात हुई थी, अभी इनका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, इसमें अभी देशपाल हमारी पकड़ से बाहर है, उसके बाद में हम बता पाएंगे, लेकिन इन्होंने को जो दिया पैसा मिला नहीं, इनको पैसे देने की बात उसने कही। कितने पैसे ऐसा कोई? अभी तक की प्राथमिक यह है कि इनको 2 लाख रुपए देने की बात कही थी जिनको भीमबाल चलाए। बड़ा नाम भी शामिल हो सकता पीछे? नहीं, अभी इसमें मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके लिए। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बड़े नाम के अलावा भी हो सकता है कि इस केस के अलावा भी इन्होंने कोई इस तरह के और भी ब्लाइंड मर्डर जो ट्रेस नहीं हुए, तो ये इन्वेस्टिगेशन का बिंदु, इन्वेस्टिगेशन में और भी क्राइम इन्होंने किया हो, जरूरी नहीं मर्डर ही किया हो, किस तरह की लूट या और किस तरह की वारदात में भी ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो CDR एनालिसिस करके जिस जिस जगह पे जहाँ जहाँ इस तरह की वारदातें हुई है या कोई लूट शॉट हुई है तो वहाँ पे इन सब का मूवमेंट रहा है, तो उस बेस पे अपन और आगे कार्रवाई इस पर करेंगे। मतलब अभी मुख्य जो आरोपी है देशपाल वो गिरफ्तार हो गया? नहीं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो बाकी देशपाल का जो कजिन ब्रदर है जो इसमें मुख्य रैकी कार भी था और जो उसके बाद में जो इनको फरार करवाने में वो गिरफ्तार हो चुका है। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें लाइन ऑर्डर में इतना बड़ा सीरियस सा था, काफ़ी पब्लिक कल भी थी आज भी थी, लेकिन आप मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी अच्छा पुलिस का सपोर्ट किया, और किसी तरह की जो नेगेटिव कई तरह की धारणाएं चल रही थी कम्युनिटी वाइज कास्ट वाइज इसको अलग एंगल में ले जा रहे थे, तो उसमें सब में आप लोगों ने सकारात्मक भूमिका अदा करी, इसकी वजह से पुलिस का थोड़ा और बेटर जो है वो काम करने का अवसर मिला, और यहाँ के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी इसको एक क्राइम की तरह देखा, बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का लाइन ऑर्डर बिगाड़ने का इस तरह का माहौल इन्होंने पैदा नहीं किया, तो सभी बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा जो SP साहब जालौर जो है घटना की सूचना मिलने के बाद अभी तक लगातार 24 घंटे तक सोए नहीं, और लगातार इन्होंने कार्रवाई की, उनकी टीम ने पूरा मिलकर कार्रवाई की, तो संपूर्ण जालौर SP साहब की टीम को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 24 घंटे में इतने ब्लाइंड मर्डर को इन्होंने ट्रेस किया, बाकी बड़ा टफ होता है जब किसी तरह का कोई क्लू नहीं मिले,
तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि उसके बाद में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, तो हमारी टीम दोनों तरफ काम कर रही थी, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरी तरफ क्राइम को करना। तो संपूर्ण टीम ने, ये जो पूरी टीम है, इसने बहुत ही जिंदादिली से और बहुत मेहनत करके जहाँ जिसको भेजा, जो टास्क दिया, वो टास्क इन्होंने दिए हुए समय में पूरा करें। मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएँ, जो अपने गाँवों में कैमरे लगाएँ, जो जो अपने प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो कोई भी दुकान है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएं, ताकि हम ये होने वाले अपराधों पर रोक लगा सकें और उनको खोल सकें। थैंक यू।